फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि हम लोग HTML होता क्या है। क्यों फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया ही था, अगर आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दे रहा हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिएगा जाकर। पिछला ट्यूटोरियल देखेंगे तभी ये वाला ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़े थे कि HTML होता क्या है और हम लोग HTML में क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि और भी उसमें कोडिंग किस प्रकार की जाएंगी और उसमें हम लोग किसी भी टाइटल हेडिंग जो भी हुआ उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपना टेक्स्ट राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का नोट प्लस प्लस, इसके बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप लोग पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और जाकर वहाँ से आप लोग पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को पिछले ट्यूटोरियल में समझाया था। तो फ्रेंड्स, इसको फिलहाल हम लोग हटा देते हैं, ये सब हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से ये सब हट गया। अब हम लोग शुरू से एकदम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर और जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोगों का पहली लाइन, पहला रो जिसमें कि हम लोग लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये लेस देन और ग्रेटर देन, इन्हीं दोनों के बीच में जो कोडिंग होती है उसको लिखा जाता है। ये जो लेस देन है और ये क्या है, ये ग्रेटर देन है, और इसके बीच में हम लोग लिखेंगे कोडिंग को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं HTML। HTML इसलिए लिखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है, मैंने आपको पिछले भी ट्यूटोरियल में बताया था कि जो भी वेबसाइट होती है वो पढ़ेगी किसको, कोडिंग को। ये जो कोडिंग लिख रहा है हम लोग, इसको HTML के थ्रू ही वो पढ़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इंटर करके नीचे चले आते हैं, दूसरे लाइन पे चले आते हैं फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद से एक और इंटर करके फिर उसके बाद नीचे चले आते हैं फ्रेंड्स, उस नीचे चले आते हैं। और ये जो ये आप देख रहे हैं इसको पूरा, ये जो आप लिखा हुआ है HTML, ये क्या है, एक पूरा एक टैग है फ्रेंड्स, इसको हम लोग टैग कहते हैं फ्रेंड्स। और ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा जाता है, और इसको ये अब HTML यहाँ से ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, और HTML ओपन हो चुका है तो इसको बंद भी करना होगा फ्रेंड्स। तो वही चीज, लेस देन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद से ग्रेटर देन, और इसके बीच में फ्रेंड्स हम लोग HTML को क्लोज कर देंगे, सेम वही चीज लिखा जाएगा HTML। तो फ्रेंड्स, यहाँ से HTML हम लोग फिर से लिख देते हैं। ये यहाँ से कहने का सेंस ये है फ्रेंड, यहाँ से HTML ओपन हो गया है और यहाँ पर आकर ये HTML क्लोज हो गया है फ्रेंड्स। आपको मेरी बातें समझ में तो आ ही रही होंगी फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने देखिए, मैं आपको एकदम सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ कि HTML यहाँ से ये ओपन हो गया और यहाँ पर आकर HTML क्लोज हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर से एक लाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन, और उसके बीच में क्या लिखना है हम लोगों को, तो फ्रेंड्स हम लोगों को उसके बीच में लिखना है हेड। जी हाँ फ्रेंड्स, हेड, HEAD हेड फ्रेंड्स। हेड इसलिए लिखेंगे हम लोग क्योंकि मैं उसको आगे आपके ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हेड क्या होता है और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं फ्रेंड। तो फिलहाल आप लोग बस इतना जानिए कि हेड लिखेंगे। किसी वेबसाइट को बनाना है तो भाई सिंपली भाषा में आपको समझाता हूँ कि हेड का अर्थ होता है सिर। तो सिंपली भाषा में आप लोग इसको समझिए कि मतलब कि हम लोग इसका सिर बना रहे हैं। अब अभी मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा कि किस प्रकार से बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये हेड ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अब हम लोगों ने हेड ओपन कर दिया तो हेड को क्लोज भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हेड को आते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम लोग को हेड को क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर से लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद से यहाँ से क्लोज करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड स्लैश लगाइएगा जरूर, अगर भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये हेड दे देंगे और यहाँ पर ये हेड क्लोज हो गया फ्रेंड्स। अब हेड जब क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके बाद से बनाएंगे बॉडी। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद से क्या बनाएंगे हम लोग, बॉडी। अब तो मान लीजिए ये हेड है, ये सिर बन गया, अब पूरा शरीर बनाना अभी बाकी है फ्रेंड्स। तो शरीर का तात्पर्य यहाँ से आप लोग वेबसाइट से लीजिएगा फ्रेंड्स, उतने तो आप लोग समझदार हैं ही। तो ग्रेटर देन और लेस देन फिर से हम लोग लिखेंगे, और उसके बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी, BODY बॉडी फ्रेंड्स। मैंने जूम कर ही रखा हूं मैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग बॉडी ओपन कर चुके हैं, और यहां से हम लोग यहां पर आकर हम लोग बॉडी को
क्लोज भी कर देते हैं फ्रेंड्स। जो चीज ओपन करेंगे इस बात का सर्वथा ध्यान रखिएगा कि जो चीज ओपन करेंगे उसको क्लोज जरूर करना है फ्रेंड्स। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ये जो होता है, जो हम लोग ये कोडिंग लिख रहे हैं, वेब पेज उसको रीड करता रहेगा, कंटिन्यूस उसको पढ़ता रहेगा। इसलिए आपको वो चीज, जो भी चीज आपने ओपन किया है उसको आपको क्लोज जरूर कर देना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि वो उसको पढ़े मत। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिख चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर HTML यानी कि ये कोडिंग किसमें की जा रही है, वेबसाइट इसको रीड करेगा तो समझ जाएगा कि ये जो भी कोडिंग की गई है वो HTML के अंतर्गत की गई है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये HTML में ये कोडिंग हो चुका है, ये इसका हेड है और यहाँ पर आपने हेड क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर आपने बॉडी बनाया और फिर यहाँ पर आपने बॉडी को क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों का तैयार हो गया, अब हम लोग देंगे यहाँ पर टाइटल। इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक लाइन छोड़ा था, यहाँ पर अब हम लोग क्या देंगे, टाइटल देंगे। तो टाइटल देने के लिए फ्रेंड्स फिर से हम लोग वही चीज करेंगे, लेस देन, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद से इसमें लिखेंगे हम लोग टाइटल, TITLE टाइटल, या फ्रेंड्स TITLE टाइटल। यहाँ पर हम लोग टाइटल दे देते हैं, यहाँ पर टाइटल लेने के बाद से स्पेस, और उसके बाद से हम लोग इसमें लिख देते हैं, टाइटल बना देते हैं हम लोग माई माई फर्स्ट, और यहाँ पर लिख दिया जाए ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल यहाँ पर अच्छा रहेगा, माई फर्स्ट ट्यूटोरियल TUTORIAL माई फर्स्ट ट्यूटोरियल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अच्छा रहेगा, माई फर्स्ट ट्यूटोरियल, ये हम लोग टाइटल दे रहे हैं फ्रेंड्स। टाइटल अभी मैं आप लोगों को ओपन करके समझा देता हूँ कि वो टाइटल क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मैंने अब टाइटल यहाँ पर लिख दिया है माई फर्स्ट ट्यूटोरियल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग टाइटल अब फिर से बंद कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लेस देन ग्रेटर देन, फिर यहाँ पर टाइटल लिख देंगे, यहाँ पर टाइटल ये देखिए आ चुका है, यहाँ पर टाइटल लिख दिए हम लोग और यहाँ पर ये टाइटल क्लोज कर दिए फ्रेंड्स। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, चलिए पहले तो इसको मैं आप लोगों को सेव करके बता देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको, मतलब ये जो मैंने माय फर्स्ट ट्यूटोरियल लिखा है, जो टाइटल लिखा है वो क्या चीज है, इसको सेव करने के लिए Ctrl+S दोनों एक साथ दबाएंगे, यहाँ पर ये सेव एज का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सेव एज का जब ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को डेस्कटॉप पर, मैं तो फिलहाल डेस्कटॉप पर कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग नाम सेव करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ माई डॉट पेज PAGE पेज डॉट HTML, ये जो टैग है इसको लगाना मत भूलिएगा आप लोग, जो भी नाम लिखिए अपना XYZ कुछ भी लिख दीजिए आप लोग, उसके बाद डॉट HTML जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। HTML ये जो टैग है ये लगाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ से हम लोग सेव कर देते हैं, और ये जो हम लोगों का ये अब सेव हो चुका है, जो भी हम लोगों ने कोडिंग किया है इसको हमने सेव कर दिया है। चलिए यहाँ पर यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लिया जाए, और यहाँ पर ये देखिए जो ये पेज है ये बनकर हम लोगों का माई पेज ये जो है तैयार हो चुका है। चलिए इसको हम लोग ओपन कर देखा जाए कि या क्या जो मैंने लिखा है वो कोडिंग सही से हुई है या नहीं हुई है, और जो मैं आप लोगों को टाइटल बताना चाहता हूँ वो भी यहीं से ओपन होगा फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से ये देखिए अभी ये ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, अभी ये खुल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना माई फर्स्ट ट्यूटोरियल, यहाँ पर आप मेरे पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, जो कहने का तात्पर्य ये था मेरे कि जो हम लोगों ने टाइटल दिया है माई फर्स्ट ट्यूटोरियल वो यहाँ पर शो करेगा। जब भी हम लोग कोई भी इंटरनेट पर या किसी भी ब्राउजर पर हम लोग अपना जैसे खोलते हैं, कोई भी पेज ओपन करते हैं, तो जो ऊपर यहाँ पर लिखकर आता है फ्रेंड्स उसी को टाइटल कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि टाइटल किस चीज को कहा जाता है। हम लोग यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स यही हम लोगों का टाइटल था। अब उसके बाद से हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने राइटर में, राइटर में आने के बाद से अब फ्रेंड्स ये हो गया हम लोगों का ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। अब जो ये ट्यूटोरियल जो हम लोग लिखा है माई फर्स्ट ट्यूटोरियल, ये हो गया हम लोगों का टाइटल फ्रेंड्स, सॉरी मैंने ट्यूटोरियल कह दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये हो जाएगा अब टाइटल। उसके बाद से हम लोग कहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद से हम लोग आएंगे अब ये, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस को
मैं इनको इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे बॉडी पर। हम लोगों का तो हेड, ये हेड है, ये हेड हम लोगों का हो चुका है, ये जो हेड है ये हम लोगों का पूरा हो चुका है। अब हम लोग आते हैं बॉडी पर। बॉडी पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग देंगे, फिर से वही काम, लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद से एच वन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने इसीलिए आपको ये राइडर चूज करने के लिए कहा है। देखना यहाँ पर, यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही आ जाता है, ना कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पर एच वन हेडिंग दे देंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पर ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर रहेगा एच वन। यहाँ पर ये एच वन हो गया, उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर दिस इज माई एच वन हेडिंग, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज माई एच वन हेडिंग, ये सही रहेगा, एच ई ए डी आई एन जी एच वन हेडिंग, दिस इज माई एच वन हेडिंग फ्रेंड्स। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एच वन को क्लोज कर देते हैं। मैंने आपसे बार बार बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स कि जिस चीज को ओपन करेंगे उसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एच वन ये जो है ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से आप लोगों को बता देता है कि यहाँ पर आपने एच वन ओपन किया था, यहाँ पर आपने एच वन को क्लोज कर दिया है फ्रेंड्स। ऐसे ही ठीक, हम लोग इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पर ये हम लोगों ने 6 बार इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वो भी अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्यों मैंने पेस्ट किया। और यहाँ से जो एच वन हेडिंग है उसको हम लोगों को एडिट करके क्या करना है, एच टू हेडिंग करते हुए चले जाना है फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं कर देता हूँ एच टू। ठीक, इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे हम लोग, एच थ्री। जी फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एच थ्री यहाँ पर हम लोग करेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एच फोर करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एच फोर, यहाँ पर एच फाइव करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर एच फाइव और यहाँ पर फ्रेंड्स एच सिक्स कर देते हैं हम लोग। ये सब हमारी हेडिंग्स हैं, मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ इसको और अच्छे से कि आखिर में हम लोग ये एच वन एच टू क्यों लिख रहे हैं। पहले इसको मैं सही कर दूं, एच वन सॉरी फ्रेंड्स, ये तो एच वन ही रहेगा। यहाँ पर एच टू, यहाँ पर एच थ्री, एच फोर, एच फाइव और एच सिक्स। यहाँ पर हम लोग ये सब हमारे फ्रेंड्स, हमने ये जो हेडिंग है इसको हम लोगों ने लिख लिया है पूरा अच्छे से, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है, ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया है। तो इसको हम लोग चलते हैं फटाफट कंट्रोल प्लस यस से, सेव कर लिया इसको हम लोगों ने। फिर यहाँ से हम लोग मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से हम लोग आकर अपने पेज को यहाँ से हम लोग अब फिर से उसको ओपन करते हैं। और ये जो हम लोगों का पेज है ये ओपन हो रहा है, देखते हैं कि अब इसमें कौन सी चेंजिंग हुई है और कौन सी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अभी कनेक्टिंग कर रहा है उसको जो हम लोगों ने लिखा था ट्यूटोरियल। यहाँ पर देखिए ट्यूटोरियल खुल चुका है हम लोगों का फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो मैंने पहले राउंड में लिखा था, दिस इज माई एच वन हेडिंग, दिस इज माई एच वन H2 heading। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी हम लोगों ने कोडिंग लिखा था यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो कोडिंग लिखा था उस हिसाब से हम लोगों को किस प्रकार से जो हेडिंग चाहिए, कितनी मोटी हेडिंग चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, वो इस चीज का कोडिंग है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने तो मैंने आपको समझाया हेडिंग के थ्रू से कि ये दिस इज माई एच वन हेडिंग, दिस इज माई एच टू हेडिंग। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, कुछ उससे ज्यादा कम ये बोल्ड है। तो इस प्रकार से आपको जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपको कौन सा किस प्रकार वाला हेडिंग चाहिए, एच वन वाला चाहिए या एच टू वाला चाहिए या एच थ्री वाला चाहिए या एच फोर वाला यूज करना है, ये निर्भर करता है आपके क्रिएटिविटी पर कि आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हम लोगों का हेडिंग्स बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे कोडिंग को देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं तो इसको डिलीट कर देता हूँ,
जो हम लोग इतनी बड़ी लाइन बनाया ये केवल मैं आपको समझाने के लिए किया था कि फ्रेंड्स कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया यहाँ से, दिस इज माई एच वन हेडिंग को यहाँ पर इसको रहने देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हम लोगों को आगे भी पड़ेगी फ्रेंड्स। अब बेसिकली ये जो होता है यहाँ पर, ये जो एक पैराग्राफ के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं आप और कोई भी ब्राउजर उसको रीड करता है तो एक पैराग्राफ के अंदर रीड करता है उसको। तो चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पी। पी का अर्थ ये हुआ कि एक पैराग्राफ हुआ, कहने का मतलब ये है कि ये एक पैराग्राफ हुआ। अब हम लोग पैराग्राफ बनाए हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज भी कर देते हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ क्लोज हो गया, यहाँ पर ये पैराग्राफ ओपन हुआ और पैराग्राफ यहाँ पर ये क्लोज भी हो गया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद से हम लोग, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद से अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मान लीजिए जो मैंने हम लोगों ने यहाँ भी अभी यहाँ पर ये लिखा है ना, दिस इज माई एच वन हेडिंग, अब इसको मान लीजिए ये रहा, इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अभी ये रिफ्रेश कर लिया मैंने, इसको हम लोग यहाँ से इसको सेव कर दिया जाए, पैराग्राफ को कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया जाए। उसके बाद सेव करने के बाद से फिर से यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये हट गई ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना दिस इज माई एच वन हेडिंग, इसको हम लोग यहाँ पर ये सेंटर में कैसे हम लोग लाएंगे, इसको हम लोग चलिए देखते हैं कि ये सेंटर में कैसे आएगा। सेंटर में लाने के लिए इसको हम लोग फिर से अपने ओपन करते हैं टेक्स्ट राइडर को, और यहाँ पर ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा था यहाँ पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर देना मैं भूल गया सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेस, उसके बाद से ए यल, उसके बाद से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग आई जी एन फ्रेंड्स, यही लिखेंगे हम लोग। उसके बाद से यहाँ से हम लोग इक्वल टू, इक्वल टू के बाद से ये डबल इन्वर्टेड कामा हम लोग यहाँ पर देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा। उसके बाद से सेम वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पर दे रहे थे ना लेस देन ग्रेटर देन, वैसे डबल इन्वर्टेड कामा दो बार देना है, और उसके बीच में हम लोगों को क्या लिखना है सेंटर, क्योंकि हम लोग कहाँ चाहिए ये, तो ये चाहिए सेंटर में, ये रहा सेंटर, इस पर हम लोगों को इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आ जाना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आने के बाद से फिर से सेव करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फिर से आकर यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं इसको, और देखिए ये जो हेडिंग हम लोगों की ये कहाँ पर आ चुकी है, ये एकदम सेंटर में आ चुकी है फ्रेंड्स। और सेंटर में आने के बाद से अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाली सेटिंग्स को देखते हैं कि कैसे क्या होगा और कैसे नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे वाली सेटिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं अब यहां पर, यहां पर आने के बाद से अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम लोगों को मान लीजिए इसके कलर को चेंज करना है। ये जो हम लोगों का यहाँ पर दिस इज एच वन हेडिंग लिखा है, ये पूरा बॉडी है यहाँ पर, ये जो आपको पेज में पूरा सर्किल दिख रहा है, इसका हम लोगों को कलर को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी भी कहा, क्या कहा, बॉडी का, हम लोग कहाँ पर आएंगे, ये बॉडी पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। और बॉडी पर आने के बाद से स्पेस, स्पेस देने के बाद से हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोगों को बॉडी पर लिखना है बी जी। बी जी का मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, उसके बाद से कलर लिख देना है, तो BG, उसके बाद से स्पेस कलर, कलर लिख देना है फ्रेंड्स सी ओ एल ओ आर कलर, यहाँ पर ये हो गया कलर BG कलर। उसके बाद से सिंपली जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है ना, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, सॉरी इसमें स्पेस नहीं रहेगा फ्रेंड्स, ये बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होता है कि आप लोग को बारीकियों पर ध्यान देना रहता है फ्रेंड्स, तो बारीकियों पर जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वरना हो जाएगी गड़बड़ सारी। तो यहाँ पर मैंने इक्वल टू किया, इक्वल टू करने के बाद से वही चीज डबल इन्वर्टेड कामा, दो डबल इन्वर्टेड कामा, ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन होता है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बीच में ही लिखना है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बीच में हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करने के लिए ऑरेंज ही सही रहेगा फ्रेंड्स, तो ऑरेंज लिख देते हैं हम लोग ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑरेंज लिख दिया है, अब फिर से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या वो यहाँ पर परिवर्तित हुआ है या नहीं। हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर ये पूरा कलर जो है वो चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। हम लोग जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका मैंने पूरा पूरा ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं ये चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये चीज होता है, यहाँ से ये जो
बीजी कलर है, यही इसका कोडिंग का एक प्रकार से आप लोग कोड भी कर सकते हैं, यही वो कोड है जिसके तहत हम लोग अपने पूरे वेबसाइट का जो पूरा होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर है इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, फॉन्ट पर फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग फिर से क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद से आ जाते हैं फॉन्ट पर, क्योंकि मान लीजिए जो मैंने ये लिखा है ना, दिस इज हेडिंग, दिस इज एच वन हेडिंग, इसका मान लीजिए अगर जब फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये बॉडी है, यहाँ पर एंटर करके हम लोग आ जाते हैं नीचे और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉन्ट लिखते हैं। तो फिर वही चीज, ग्रेटर देन और लेस देन, फिर बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉन्ट। तो चलिए फॉन्ट ये आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको राइडर सजेस्ट किया था नोट पैड प्लस प्लस, इसका आप लोगों को फायदा दिख रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहला अक्षर डालता हूँ और यहाँ पर नीचे सारे सजेस्टेड अक्षर आ जाते हैं कि अगर आप उसमें से डालना चाहते हैं तो आप लोग पुटअप कर सकते हैं, वहां पर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये इस चीज के बहुत ही फायदे हैं, फॉन्ट। फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे साइज एस आई जेड ई साइज, फिर देंगे इक्वल टू, फिर उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है डबल इन्वर्टेड कामा। फिर हम लोग कर देते हैं 20 पिक्सल। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्सल क्यों ही, तो फ्रेंड्स इसका मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि 20 पिक्सल ही क्यों फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर फॉन्ट को मैंने ओपन किया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फॉन्ट क्लोज भी करना है कोडिंग करते समय, सबसे जरूरी चीज इसको क्लोज भी करना है। तो चलिए हम लोग क्लोज कर देते हैं FONT फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ से फॉन्ट ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, फिर अपना पेज ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं या नहीं। फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जो यहाँ पर ये 20 पिक्सल डाला था, यहाँ पर हेडिंग में आप लोग पहले से परिवर्तन पा रहे होंगे। अगर रुकिए मैं इसको और भी थोड़ा सा एट्रेक्टिव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग इसको पूरा कट कर देते हैं, फिर यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा स्पेस देकर क्लोज कर देते हैं फॉन्ट, और ये हो गया यहाँ पर। फिर इसको सेव कर दिया मैंने कंट्रोल प्लस एस से, और फिर यहाँ पर आकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये परिवर्तित हो रहा है, दिस इज माई H1 हेडिंग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये परिवर्तित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से करने का सेंस मेरे ये है कि यहाँ से आप लोग फॉन्ट ओपन कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आप लोग फॉन्ट क्लोज करके ये जो आपका हेडिंग है इसको आप लोग अपने हिसाब से बड़ा छोटा, जितना भी आप लोगों को जितना पिक्सल चाहिए उतना आप लोग इसको कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर जो आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया हो, मैं आप लोगों को एक और तरीका से बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा ना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक बार और लेस देन ग्रेटर देन कर लेते हैं, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर लिख देते हैं फॉन्ट, फॉन्ट यानी कि मैंने फॉन्ट यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर ये क्लोज कर दिया, फिर कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया, और फिर अपने पेज को ओपन किया। फ्रेंड्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो ब्राउजर मैंने ओपन किया था ये बार बार मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ना कि मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, या फिर यहाँ से ये जो दिख रहा है आप लोग यहाँ से ये मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग मिनिमाइज करिएगा वरना बार बार आपको अपना पेज ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर फिर से परिवर्तन आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए ये हो गया, यहाँ पर करने का सेंस मेरी ये है कि आप लोग दिस इज H1 हेडिंग, जो हम लोगों का हेडिंग था इसको आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हो गया हम लोगों का फॉन्ट के बारे में। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए फॉन्ट का अगर जो कलर चेंज करना हो आप लोगों को, तो कलर चेंज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसका कलर देखते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, फिर से इसके अंदर आ जाते हैं, ग्रेटर और लेस देन जो है उसके फिर से अंदर आ जाते हैं, और फिर थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं कलर COLOR कलर, फिर उसके बाद से वही चीज बराबर, ये जो बराबर है इक्वल उसको देते हैं हम लोग, उसके बाद से फिर डबल इन्वर्टेड कामा, और फिर उसके बीच में क्या लिखते हैं वाइट। जी फ्रेंड्स वाइट WHITE वाइट,
और फिर से इसको यहाँ पर ये आ चुका है और फिर इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल प्रोसेस से। कंट्रोल प्रोसेस से सेव होने के बाद से रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में था वो क्या हो गया, व्हाइट कलर में हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपके क्रिएटिविटी पर ये निर्भर करता है, मैं आप लोगों से बार बार कर दे रहा हूँ कि आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपना व्यवसाय किस प्रकार से बनाते हैं। मैं तो ये आप लोगों को बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब इस प्रकार से होता है, बाकी निर्भर आप लोगों के ऊपर करता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कलर व्हाइट किया था, तो यहाँ पर दिस इज H1 हेडिंग, ये जो है ये चीज यहाँ पर व्हाइट हो गया। मैंने 20 पिक्सल किया, यहाँ पर ये भी बढ़कर 20 पिक्सल हो गया। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने ये जो कोडिंग किया HTML में कोडिंग किया फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये मैंने हेड लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल में माई फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ये टाइटल देख सकते हैं माई फर्स्ट ट्यूटोरियल, जैसे आप लोग गूगल ओपन करते हैं तो गूगल यहाँ पर लिखकर आता है ना गूगल, ठीक उसी प्रकार से ये आप लोगों का टाइटल है। तो टाइटल आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि टाइटल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी यानी कि ये पूरा जो शीट जो दिख रहा है वो पूरा बॉडी हम लोगों ने बनाया। उसके बाद से हम लोगों ने कलर चेंज किया, ऑरेंज कर दिया व्हाइट से, इसको क्या किया हम लोगों ने ऑरेंज कर दिया फ्रेंड। और उसके बाद से हम लोग हेडिंग बनाना सीखे हैं आज हम लोग फ्रेंड्स, ये हेडिंग कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग इसको फिर से मिनिमाइज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद से अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग अब लिख देते हैं क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, THISE दिस इज नहीं फ्रेंड्स सॉरी दिस लाइन LINE लाइन दिस लाइन इज अंडर DER अंडर लाइन दिस लाइन इज अंडर द लाइन। फिर से हम लोग यहाँ पर इंटर मार कर नीचे चले आते हैं, फिर से वही चीज लिखते हैं फ्रेंड्स THISE दिस, फिर से मैं सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर बार बार मैं इसे लिख देता हूँ, दिस लाइन इज बोल्ड This line is bold। फिर से हम लोग यहाँ पर इंटर करके नीचे चले आते हैं, This line is italic। जी फ्रेंड्स italic इटैलिक यहाँ पर आ गया है ALIC इटैलिक। यहाँ पर मैं बार बार फ्रेंड्स स्पेलिंग इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई दुविधा भी हो तो आप लोग सुनकर उसको अच्छे से जान जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख दिया, दिस इज लाइन इज अंडरलाइन, दिस लाइन इज बोल्ड, दिस लाइन इज इटैलिक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव करना है इसको, बार बार मैं बता देता हूँ कंट्रोल प्लस एस से सेव करना है। और फिर यहाँ पर हम लोग आकर इसको रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं इसको एक सेकेंड मैक्सिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस लाइन इज अंडरलाइन, दिस लाइन इज बोल्ड, दिस लाइन इज इटैलिक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पेज पर, लेकिन फ्रेंड्स ये सब एक ही लाइन में लिख दिया क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर मैं मिनिमाइज करके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग इंटर करके नीचे लिखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ ये सब एक ही लाइन में लिख दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिक्कत ये चीज हो जाती है क्योंकि जो आप लोगों ने लिखा है तो आप हम लोगों ने आगे यहाँ पर कोडिंग एक चीज करना हम लोग मिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को जानबूझ कर किया हूँ ताकि आप लोग कभी ऐसे मान लीजिए ऐसे आप लोग कोडिंग करना आप लोग भूल गए, तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार दिमाग में बैठा देता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन, और उसके बाद से आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आप लोगों को फ्रेंड्स BR, या फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लिखना है सॉरी यहाँ पर लिखना है लाइन ब्रेक BR, सॉरी इसके अंदर लिखना है BR। ये फ्रेंड्स यहाँ पर BR लिखना है आप लोगों को, यहाँ पर भी हम लोगों को लाइन ब्रेक करना है तो ग्रेटर देन लेस देन, फिर यहाँ पर क्या लिखना है आपको BR, और फिर यहाँ पर तो ये तो लास्ट वाली लाइन है ही, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। फिर से हम लोग अपने पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने पहले कोडिंग नहीं किया था तो ये ऐसे दिख रहा था, अब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब ये सब लाइन बाई लाइन आ चुका है आपके सामने। लेकिन फ्रेंड्स अभी आप लोग गौर कर रहे होंगे, अगर नहीं गौर कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लाइन इज अंडरलाइन, लेकिन क्या हम लोग ये जो पेज बनाए हैं यहाँ पर ये
कहां अंडरलाइन हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अंडरलाइन हुआ है, नहीं अंडरलाइन हुआ है, दिस लाइन इज बोल्ड, लेकिन ये बोल्ड कहां हुआ है, ये बोल्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिस लाइन इज इटैलिक पर ये इटैलिक है, नहीं इटैलिक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी यहाँ पर हम लोगों को एक कोड लिखना होता है, एक टैग लिखना होता है, तो चलिए उस टैग को हम लोग लिखते हैं, फिर से वही चीज लेस देन ग्रेटर देन, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग यू अंडरलाइन का, ये यू लिखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आकर हम लोग बंद कर देंगे, क्लोज जरूर करिएगा फॉरवर्ड स्लैश फिर यू, यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है, फिर यही सेम काम यहाँ पर भी ग्रेटर देन लेस देन, और दिस लाइन इज बोल्ड, और बोल्ड का क्या होगा फ्रेंड्स बी, यहाँ पर बोल्ड का बी होगा, फिर वही चीज लेस देन ग्रेटर देन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद से ये ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पर आप लोग फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद क्या लिखेंगे बी, यहाँ पर मैंने करने का सेंस ये है कि यहाँ पर आप लोग क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे यही लाइन बस बोल्ड चाहिए, अगर मैं ये बी जो है यहाँ पर क्लोज करता हूँ, ये जो टैग है यहाँ पर ये बोल्ड वाला, इसको यहाँ पर क्लोज करूंगा तो ये भी लाइन होल्ड हो जाएगी पूरा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर क्लोज कर देते हैं कि मुझे यही लाइन बोल्ड चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इटैलिक का, तो वही सेम चीज लेस देन ग्रेटर देन, उसके बाद से आई, इटैलिक का क्या होता है फ्रेंड्स आई, और यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर आई, और ये हो चुका है हम लोगों का क्लोज। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चलते हैं सेव कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लिया हमने, फिर से अपने वेब पेज को हम लोग ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स दिस लाइन इज अंडर लाइन के नीचे, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं, दिस लाइन इज बोल्ड, पूरा का पूरा बोल्ड है, दिस लाइन इज इटैलिक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉन्ट में चेंजिंग आई हुई है। तो फ्रेंड्स कहने का सेंस मेरे ये है कि आप लोग जब एक वेबसीट बनाइएगा तो उसको अपने हिसाब से चेंजिंग कीजिएगा, और जहां पर आप लोग बोल्ड को जरूरत होगा तो आप लोग बोल्ड, जहां पर इटैलिक की जरूरत होगी वहां पर आप लोग इटैलिक लगाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हम लोग आज हम लोगों ने सीखा है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर HTML पर, लास्ट में ये बॉडी को हम लोग क्लोज कर दिए थे जो हम लोगों ने शुरू में, यहाँ पर ये बॉडी ओपन हुआ, यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गया, और ये HTML हम लोग यहाँ पर ओपन किए और HTML को यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी भी एक चीज और बाकी है, मैं आप लोगों को अभी और समझा देता हूँ। तो ये जो चीज यहाँ पर है सॉरी, ये इसको मान लीजिए हम लोग इसको भी हम लोगों को सेंटर में करना है, तो फ्रेंड्स सेंटर में करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टैग बता देता हूं जिससे आप लोग सीधे उसको सेंटर में कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सेंटर, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन, बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा चीज है सेंटर, क्योंकि हम लोगों को इस जो इतने जो ये नीचे का लाइन है इसको हम लोगों को सेंटर पर लेकर जाना है। आप लोग मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिए, इसको नीचे का ये जो तीनों लाइन है इसको सेंटर पर लेकर जाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटर। तो चलिए सेंटर ओपन, और यहाँ पर आकर क्या कर देंगे हम लोग एंटर करके सेंटर क्लोज, या फ्रेंड्स यहाँ पर ये फॉरवर्ड स्लैश फिर चीज सेंटर क्लोज, कहने का तात्पर्य यह है कि बीच में जितने चीज हैं ये सारे के सारे आप लोगों को कहाँ चले जाएंगे सेंटर में चले जाएंगे। तो चलिए कंट्रोल प्रोसेस से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने पेज पर रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए आपके जितने भी हेडिंग्स थे दिस इज अंडरलाइन दिस इज लाइन इज बोल्ड, ये कहाँ आ गया आप लोगों का, ये आ गया है पूरा का पूरा सेंटर में। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, और हम लोग अब हम लोगों की ये जो पूरी की पूरी एक कोडिंग है ये बन के हम लोगों की तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग फिर से शुरू से देख लीजिए, HTML हेड टाइटल हम लोगों ने दिया था, यहाँ पर ये टाइटल है हम लोगों का माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, और फिर उसके बाद से एक सेकेंड इसको मैं ये कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में अच्छी बात रहेगी। यहाँ से माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, तो यहाँ पर आप लोगों का ये टाइटल है माय फर्स्ट ट्यूटोरियल, उसके बाद से मैं आप लोगों को रुकिए बताता हूँ और अच्छे से, अब ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग बॉडी का ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया ऑरेंज, साइज 20px यानी कि पिक्सल इसको हम लोगों ने बड़ा कर दिया, कलर व्हाइट कर दिया यहाँ से फ्रेंड्स, कलर व्हाइट हो ही चुका है दिस इज माय H1 हेडिंग का। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जितने भी चेंजेस किए हम लोगों के पेज पे यहाँ पर वो चेंजेस आप लोगों को दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो
प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में जाने और वो भी एक सफल अपना वेबसाइट बना सके फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि HTML यानी कि इसमें अपना इमेज कैसे डालेंगे एक वेब पेज में, यहाँ पर आप लोगों का इमेज कैसे शो करेगा और भी आगे की चीजें हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।